चीन की मदद से पाकिस्तान ने एक और सैटेलाइट लॉन्च की है। पाक ने सैटेलाइट को पाकसेट MM-1 का नाम दिया है। पाकिस्तान ने दावा किया कि सैटेलाइट से पाकिस्तान में इंटरनेट सुविधाएं बेहतर होंगी। पाकिस्तान में लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा, जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तान ये जताने और बताने का मौका नहीं छोड़ रहा कि वो एक एटमी मुल्क है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण के सलाहकार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई ने बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों के नो फर्स्ट यूज की नीति का पालन नहीं करता। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 9 मई 2023 की हिंसा से संबंधित दो मामलों में बरी कर दिया है। पूर्व पीएम इमरान खान को उनके खिलाफ अपर्याप्त सबूत का हवाला देते हुए गुरुवार को बरी किया गया। वर्चुअल तरीके से कोर्ट में पेश हुए इमरान खान ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा से शिकायत करते हुए कहा कि उनको किसी तरह की कानूनी मदद नहीं मिल रही। इमरान खान का पहली बार वीडियो लिंक के माध्यम से याचिकाकर्ता के रूप में पेशी हुई। जब इमरान खान को बोलने की इजाजत दी गई तो मुख्य जज ईसा ने उनसे पूछा कि क्या वो खुद अपनी दलीलें पेश करना चाहेंगे या उनके वकील ख्वाजा हारिस उनकी ओर से बहस करेंगे। इसके बाद पूर्व पीएम ने अपनी दलीलें पेश करने के लिए 30 मिनट का वक्त मांगा। मुख्य न्यायाधीश ईसा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बड़ी पीठ इमरान खान के मामले में सुनवाई करती दिखी। जजों ने NAB यानी राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो कानूनों में कुछ बदलावों को रद्द करने के खिलाफ सरकार द्वारा दायर अंतर न्यायालय अपील पर सुनवाई की। ISI ने POK के पत्रकार को किया अगवा, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उठाई थी आवाज, 16 दिन बाद पुलिस कस्टडी में मिला। कनाडा जाने वाली भारतीय महिला ट्रेवल एजेंट के धोखे के कारण अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गई, जहां उसे गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। 1 साल से ज्यादा सजा पूरी करने के बाद महिला और उसके नाबालिग बेटे को बलूचिस्तान के क्वेटा जेल से रिहा कर दिया गया। असम के नगांव जिले की निवासी महिला को पिछले साल उनके बेटे के साथ अफगानिस्तान से चमन सीमा के रास्ते पाकिस्तान में जाते हुए गिरफ्तार किया गया था। भारतीय ट्रैवल एजेंट उससे सारे पैसे और पासपोर्ट लेकर महिला और उसके बेटे को बीच रास्ते में छोड़कर फरार हो गया।